नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका देश के नंबर वन शो, सबसे विश्वसनीय शो शंखनाद में। उत्तर प्रदेश में चुनावी खेल अपने चरम पर है। हर दल अपनी जीत के लिए खेल खेल रहा है, अलग अलग दांव लगा रहा है, अलग अलग की रस्साकशी है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे। पीएम ने यहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। मंच से विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। खेल के बहाने पीएम ने विरोधियों पर राजनीतिक खेल करने का आरोप लगाया। वैसे अकेले बीजेपी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनावी खेल में हर दल कह रहा है दम लगा के हईशा। मौका तो था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का, लेकिन सबसे बड़े खिलाड़ी के नाम पर खेल गए पीएम मोदी। सीधा निशाना समाजवादी सरकार पर। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पीएम मोदी ने बारीकी से खेल के सामान देखे थे, विश्वविद्यालय का मॉडल देखा था, फुटबॉल बेसबॉल हैंडबॉल देखा था, बल्ला भी उठाया था, और सब देखने सुनने के बाद मंच से समाजवादी की पहले की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले। पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुले आम घूमते थे। खेल के बहाने पीएम मोदी ने गिन गिन कर सियासी खेल के आरोप लगाए। निशाना सीधा था, सिर्फ नाम नहीं लिया था, बाकी क्या बचा। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे, और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। मेरठ में पलायन के मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की सियासत को यदा कदा गर्म ही किया था। अब चुनावी माहौल था तो पीएम ने यहाँ भी पलायन वाला आरोप अपने अंदाज में मढ़ा। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। भाई और बहनों, जब बारी बारी से पीएम समाजवादी पार्टी की सरकार को कोस चुके तो बारी आई अपनी सरकार की तारीफ करने की। तो मंच से ही पीएम ने योगी सरकार की शान में कसीदे गढ़ दिए। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध। मेरठ में सोतीगंज का बाजार हद दर्जे तक कुख्यात था। कुख्यात इसलिए कि लूट और चोरी की गाड़ियां यहां लाई जाती थीं और उन्हें काटा जाता था, मगर सोतीगंज के कबाड़ियों की अब तक 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। अकेले हाजी गल्ला की ही 35 करोड़ की कोठियां, गोदाम और बाकी की संपत्ति कुर्क की गई है। पीएम ने यहां भी योगी सरकार की पीठ थपथपाई। साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। पहले शहरों में पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा तो अखिलेश ने भी योगी सरकार पर पलटवार किया। ये बताओ बाबा, मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा, मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं?
क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? यूं समझिए कि पश्चिम यूपी में पीएम मोदी के जरिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है। कोशिश यही है कि किसानों की नाराजगी पर पीएम का चेहरा और विकास की बयार भारी पड़े। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के द्वारा बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी धमक दिखाने के लिए तैयार है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि किसानों की नाराजगी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न हो, इसलिए यहां विकास के ताने बाने बुन दिए जाएं। मगर ये इतना आसान नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा गणित क्या कहता है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्योंकि सारे दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि दम लगा के हाइशा और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। चुनावी माहौल में ये तीखा तंज है, करारा वार है, जोरदार प्रहार है। सियासी हमलों के बीच ये पीएम मोदी का मिशन यूपी वाला अवतार है। जोरों पर जारी सियासी तकरार है और मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूरी तरह तैयार है। हमारा भेद साफ है, हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दें कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख से पहले ही बीजेपी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के दिग्गज लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। लेकिन पार्टी के इस कवायद में सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी का, जो लगातार यूपी को विकास योजनाओं की सौगात देकर पार्टी को विजय पथ पर बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं। नए साल के दूसरे ही दिन पीएम मोदी ने मेरठ में यूपी के पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इससे पहले दिसंबर महीने में पीएम ने यूपी के विकास के लिए चार बड़ी शुरुआत की थी। 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया, 13 दिसंबर को वाराणसी को भव्य काशी कॉरिडोर का तोहफा दिया, 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। विकास की इन योजनाओं के साथ साथ पीएम मोदी हर दौरे पर विरोधियों पर करारा वार करते हैं, प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी
बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी पीएम मोदी के जीत वाले यूपी मिशन को बीजेपी भी जनविश्वास यात्राओं के जरिए आगे बढ़ा रही है, जनता के बीच बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को लखनऊ में पीएम मोदी की मेगा रैली का प्लान है, जिस पर बीजेपी ही नहीं सभी पार्टियों का ध्यान है, क्योंकि बीजेपी के इस अभियान को अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा से रोकने की तैयारी में है। यही वजह है कि वो बीजेपी नेताओं के हर हमलों पर फौरन जवाब दे रहे हैं। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही है लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है उससे ये घबराए हुए लोग हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने लड़कों से गलती वाले बयान के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो अखिलेश ने पलटवार किया। वो बताएं कि जब हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए था, हाथरस की बेटी के परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, रात भर परिवार न्याय चाहता था, साथ ही साथ परिवार ने ये भी कहा प्रशासन से कि सुबह तक का इंतजार कर लो, हमारी बेटी का दाह संस्कार सुबह कर दो। क्या लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वहाँ पर बैठे हुए प्रशासन ने क्या नहीं रात में ही उस बेटी का अपमान किया? इस वार पलटवार के बीच उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी सबर में क्षेत्रीय स्तर के अलग मायने हैं, जातीय गणित के अलग, इसीलिए यहां जाति की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से होती है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेला गया। आज अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति और फरसे का अनावरण किया। ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए कैसे सारे दलों ने कहा है दम लगा के हईशा। मंत्रोच्चार है, मंगलाचरण है, आरती है और सामने भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ एक विशाल फरसा है और इसी फरसे के नीचे अखिलेश यादव है अपने समर्थकों के साथ, एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में चक्र धारण किए हुए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने 26 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया था और अखिलेश 26 तो नहीं लेकिन इस बार जरूर बीजेपी की सरकार का संहार करने के इरादे से परशुराम के सामने है। परशुराम के जय घोष के साथ अखिलेश तैयार है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के सहारे उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत की आस है। आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी और संस्कृत के जो शिक्षक थे, जो पाठन का कार्यक्रम होता था, यूनिवर्सिटी थी, जो तमाम समाजवादियों ने काम किए थे जो इस सरकार ने रोके, भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। ब्राह्मण वोटों के लिए लड़ाई हर पार्टी में जारी है। कोई ब्राह्मणों के आशीर्वाद का विश्वास जता रहा है और कोई ब्राह्मण समाज को सियासी शक्ति बता रहा है। नौ जून 2005 को जब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, 11,000 से ज्यादा लोगों ब्राह्मणों ने शंखनाद करके उनका स्वागत किया था, तब उन्होंने वादा किया था बहन मायती जी के सामने कि हम अपना पूरा समर्थन आपको हर सीट पे देने का काम करेंगे।
ब्राह्मण वोटों के लिए हर पार्टी के अपने अपने दांव हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज सूबे में प्रभुत्वशाली होने के साथ साथ राजनीतिक हवा बनाने में भी काफी सक्षम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में करीब 8-10% ब्राह्मण आबादी है। प्रदेश की करीब 60 सीटों पर ब्राह्मण समाज का वोट निर्णायक माना जाता है। 12 जिलों में ब्राह्मण समाज की आबादी 20% से ज्यादा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 58 विधायक जीते थे। मौजूदा समय में योगी सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। ब्राह्मण वोटों को साथ लाने के लिए विरोधियों की पूरी कवायद पर बीजेपी की भी नजर है। कुछ दिन पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की और ब्राह्मण समाज को साथ बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की थी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। ऐसे में एक्टिव मामलों का ग्राफ बहुत तेजी से भाग रहा है। स्थिति की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली मुंबई में कोरोना के मामलों में आज फिर भारी उछाल देखा गया है। कोरोना के 8063 मामले मुंबई में आज यानी कि पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और दिल्ली में यह आंकड़ा आज भी 3194 को पार कर गया है। यानी कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना विस्फोट जो है रुक नहीं रहा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह विश्वास भी जताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपील कर रहे हैं दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सरकार कह रही है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पूरी है। भरोसा जता रही है सरकार कि हालात बिगड़े तो संभाल लेंगे। आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। लेकिन कैसे संभलेगी राजधानी की स्थिति? भीड़ सुधरने को तैयार नहीं, मास्क की फिक्र नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग से मानो चंद लोगों को नफरत सी है। लगता है कि ना सुधरने की कसम खा चुके हैं। कोरोना के नियम जब ऐसे मजाक बन जाएंगे तो कौन बचाएगा दिल्ली को? राजधानी दिल्ली में लोगों की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लापरवाही के चलते अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कल ही कल में दिल्ली के अंदर 2700 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं। और इसके अलावा हम आपको दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें दिखाएंगे। सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाल किले के पास का कबूतर बाजार है जहां पर सुबह के वक्त भारी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस बल भी यहाँ पर जो है वो तैनात है, लेकिन उनकी मौजूदगी में आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस वाले हैं वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वीकली बाजार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट है। उसके बावजूद भी सड़कों पर लगा हुआ ये बाजार सरकार के तमाम दावों को की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली में अभी येलो अलर्ट जारी है, उसके तहत कई पाबंदियां हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, सिनेमा थिएटरों पर बंदिशें हैं, मेट्रो बस ऑटो के लिए भी फरमान जारी हो चुके हैं कि फिलहाल कुल सीट की आधी सवारी ही सफर करेगी। बाजारों को भी ऑड इवन के आधार पर खोला जा रहा है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सारी कवायद धरी की धरी रह गई है। जिन गलतियों का खामियाजा पूरे देश ने भुगता, ढिलाई बरतने की वजह से कोरोना ग्राफ तेजी से भागे हैं। आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं, फिर भी वही लापरवाही दोहराई जा रही है। नतीजा आप सबके सामने है। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1240 से ज्यादा करनी पड़ी है। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने दिल्ली को फिर से डरा दिया है। दिल्ली में 3194 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 1 जनवरी को 2796 नए मामले थे। 31 दिसंबर को 1796 मामले दर्ज किए गए थे। 30 दिसंबर को 1313,
और 29 दिसंबर को 923 नए मामले मिले। 30 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796 हजार केस बढ़ गए एक दिन में डेली, मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली में ताजा कोरोना विस्फोट के लिए ओमिक्रॉन कितना जिम्मेदार है ये बहुत साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार मान रही है कि ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है, सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं, सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे रुका बचा जा सकता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या 351 हो चुकी है, हालांकि इनमें से 57 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये ओमिक्रॉन ही तीसरी लहर की शुरुआत कर रहा है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। अलग अलग जगहों पर कुछ इसी तरह से जो आरटीपीसीआर का टेस्ट चल रहा है, एक बार जैसे ही नंबर बढ़ा ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि फिलहाल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार तकरीबन 37,000 ऐसे ऑक्सीजन बेड को तैयार कर रही है जहां पर किसी भी चुनौती को पकड़ा जा सकता है। राजधानी में दूसरी लहर जैसे गंभीर हालात ना हो और तीसरी लहर का कहर ना टूटे, इसके लिए राजधानी में अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर बच्चों को कोरोना संक्रमण हो गया तो उनका आइसोलेशन किस तरह से किया जाएगा। सरकार भी इसके लिए तैयारी कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर, और यहाँ पर हम आपको ऐसा आइसोलेशन सेंटर दिखाने जा रहे हैं जहाँ खास तौर से छोटे बच्चों के इलाज का इंतज़ाम किया गया है। सामने आप तस्वीर देखिए, ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी क्लासरूम में आ गए हैं, लेकिन ये क्लासरूम नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर। इन तैयारियों के बीच दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। सुशांत मेहरा और रामकिंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बहुत तेजी से कोरोना देश भर में फैल रहा है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।